मुझे बहुत खुशी हो रही है, अच्छा मुझे बहुत खुशी हो रही है, खासकर इसलिए क्योंकि जब मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी तो रमाकांत मुंडे जी वो वन ऑफ देम जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। एंड एक लाइन कही गई है कि कोई भी आर्टिस्ट तब तक बड़ा नहीं बन सकता जब तक उसके पीछे मीडिया नहीं हो, क्योंकि बिना मीडिया के हम लोग कुछ भी नहीं है। वी ऑलवेज नीड जो हम लोग को सपोर्ट करे, जो हम लोग को सबके सामने लेकर आए, तो रमाकांत मुंडे जी वॉज वन ऑफ देम, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। एंड ये जो सिस्टम किया ना आप लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार वाला, ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से, हर पत्रकार को प्रॉपर प्रॉपर उसका मुकाम मिलना चाहिए, उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट होना चाहिए। ये तो रमाकांत मुंडे जी का है, आप सबके बर्थडे सेलिब्रेट होने चाहिए और मैं चाहूँगी ये दिन उनकी ज़िंदगी में बार बार आए और वो बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। कोई खास मेमोरी होगी जो शेयर करना चाहिए? मेरी फर्स्ट पार्टी थी मुंडा जी, प्लीज़ यार आपको तो आना पड़ेगा, आपके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर मेरा पहला पार्टी था इन नोवोटेल, किसी कोई बंदा कोई माइकल जैक्सन की कोई कॉपी वगैरह कर रहा था, मुझे उसका नाम भूल गया, बट दे आर आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मुझे कभी नहीं लगा कि ये मतलब बाहर के लोग हैं या वो लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, हमेशा मेरे फैमिली जैसे रहे। मुझे पता चला जैसे कि आज इनका बर्थडे है, मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया, कल मेरा बर्थडे है 16 जून को जो 12 बजे से शुरू हो जाएगा, मैं अपना बर्थडे छोड़कर इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। करके आज मौका है, इसी समय पे आ गया है। मैं तो काफ़ी अभी 25 साल से ज़्यादा हो गए, 27 साल हो रहे हैं वैसे, और जैसे मैं इंडस्ट्री में आया तब से ये मीडिया लाइन में हूँ और प्रेस फोटोग्राफी करता हूँ। गहना जी काफ़ी वक्त काफ़ी टाइम पे पार्टीज में मिली, बाद में इनके फ़ोटोशूट भी करने का मौका मिला एक फिल्म के लिए, तो इनको ऑल द बेस्ट। और ये कहना चाहेंगे इतने लोग आए इस पार्टी में जन्मदिन की, ये उन सब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, खास करके घर में आज ईद है, लोग तरह तरह व्यस्त है जी। ये मुझे तो थोड़ा सा दुख इस बात का, ईद भी इस टाइम पे एक ही डेट में आ गई है, अदरवाइज पहले नहीं हुआ था ये, इसलिए काफ़ी मेरे खास अच्छे स्टार लोग हैं या आ नहीं पाए, और इसलिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे ईद की। बिल्कुल, काफ़ी सारे हमारे अकबर खान साहब को मैंने स्पेशली गेस्ट बुलाया था, मगर उनके घर में ही ईद का प्रोग्राम होता है, तो काफ़ी लोग मेहुल कुमार जी को भी उनके भी घर में ईद के वजह से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आ रहे हैं तो मुझे निकल नहीं पाऊँगा घर से, तो उनका धन्यवाद जो भी आए हैं यहाँ पे। मेरे शुरुआती दौर के जो बाबा ब्रह्म भट्ट, बाली ब्रह्म भट्ट के सगे भाई हैं वो, इन्होंने राकेश रोशन की फिल्म में भी काम किया, काइट पिक्चर में थे वह, बॉबी वस जो अच्छे मेरे दोस्त हैं, स्टार है, अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ मैंने एड फिल्म्स वगैरह भी उनके शूट किया है मैंने। शिवा भी और लीना शिवा अधीरानी की भी हमारी पुरानी जोड़ी है, उसमें से एक आ नहीं पाया आज, आज उसकी नाइट में शूटिंग निकली और आदि ने मुझे ये कल रात को फ़ोन किया 7 बजे कि मैं आ रहा हूँ भाई, सब तैयारी है। मैं बोला कहाँ आ रहे हो आज? बोला आज नहीं, कल है मेरा बर्थडे। ओ इतना नाराज़ हो गया कि बोले यार कल मेरी रात को शूटिंग है। उन्होंने ये तो नहीं बोला काश आप अपने बर्थडे की डेट चेंज कर पाते हैं? मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं ईद की, और हर त्यौहार, हर पर्व, हर फेस्टिवल सब एक होता है, ना हिंदू मुस्लिम अलग हैं, ना कभी होंगे और हमारी इंडस्ट्री में तो कभी नहीं होंगे। एंड ये इनका बड़प्पन है, इन्होंने जो टाइम दिया है वो रिश्ते इन्होंने कमाए हैं, रिश्ते खरीदे नहीं जाते। ये सब जो लोग आए हुए हैं अपने फेस्टिवल्स छोड़ के, अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ कर, ये सिर्फ मुंडे जी के लिए आए हुए हैं, और मैं खुद दौड़ते हुए आई हूँ, मैं बहुत दूर से दौड़ कर आ रही हूँ इनके बर्थडे के लिए। ऑलवेज वेलकम है, हमारे घर के जैसा ही शुरुआती दौर से काफ़ी टाइम, हमारे बॉस रानी सर जी जिनके लिए मैं आज ये थोड़ा सा बड़ा इवेंट रखा था, वो भी नहीं आता है अभी तक, इनकी पहली फिल्म रक्त तो आएंगे, मुझे आशा है वो रास्ते में होंगे। हम लोग रक्त के पोस्टर लॉन्च वगैरह पे मिले थे कि आदि ईरानी का रक्त था फिल्मिस्तान में, एट नंबर पे सेट पे, हम लोग फिल्मिस्तान के 8 नंबर सेट पे रक्त फिल्म का पोस्टर लॉन्च था शायद, तब हम लोग मिले थे, आज 8 ईयर्स हो चुके हैं।
थैंक यू सो मच। हाँ रवि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुंडे जी का जन्मदिन है और कितनी खुशी होती है जब बड़े दिनों के बाद दोस्त यार मिलते हैं एक साथ, और इस ऐसे खास मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ मेमोरी होगी जो शेयर करना चाहेंगे दर्शकों? मेमोरियाँ काफ़ी है, मैं इसको पिछले 25 सालों से 27 सालों से जानता हूँ। मेरा छोटा भाई है एक तरफ से, मैं भी मीडिया में हूँ, वो भी मीडिया में है, हम लोग फिल्म लाइन के लोग हैं। मेमोरी ऐसी कि ये यारों का यार है, दोस्तों का दोस्त है, लोगों को बनाना जानता है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि बहुत कमी होता है कि एक पत्रकार निर्माता बन जाता है या एक पत्रकार फोटोग्राफर डायरेक्टर बन जाता है, पर इसने अक्सर कोशिश की कि हमारे साथ जो बंदे जुड़े हुए होते, चाहे वो असिस्टेंट्स होते चाहे सपोर्टर होते, कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी चले, कहीं ना कहीं उनको एक ऊंचा रास्ता मिले और कहीं ना कहीं अपने आप की वो पहचान बनाए। तो इसी कहानी को दोहराते हुए ये हमेशा काम करता आया है, और जब भी मिलते हम लोग, बहुत कम मुलाकात होती है हमारी, पर अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए एक दूसरे के सुख दुख को याद करते। हम लोग पारिवारिक लोग हैं, रमाकांत में उसका परिवार तो मेरा परिवार जैसा ही है, और मैं सबसे पारिवारिक रहता हूँ, तुम लोग सबको ही पता है मेरा रिश्ता वैसे ही है। बट आज की स्पेशल बधाई ऐसी है कि कुछ दिन पहले किसी फोटोग्राफर ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशक से दिग्दर्शक के साथ बात की थी, और उनको कहा था कि भाई आप एक फोटोग्राफर की ओर फिल्म क्यों नहीं बनाते, फोटोग्राफर होता है वीडियोग्राफर होता है उनके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते। अब रमाकांत मुंडे को पकड़ के मैं यही चाहूँगा कि अगर सबका आशीर्वाद रहा तो मैं खुद फोटोग्राफर के ऊपर फिल्म बनाऊँगा। थैंक यू, ये सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आप सबको मद्देनज़र रखते हुए दे रहा हूँ, क्योंकि फोटोग्राफर की ज़िंदगी क्या होती है, पत्रकार की ज़िंदगी क्या होती है, वीडियोग्राफर की ज़िंदगी क्या होती है। हमने भी कोरस कंपनी के ब्लैक एंड वाइट फ्यूजी कलर के उस टाइम के ऊपर जो फोटोग्राफी आती थी, हम भी छोटे से कैमरे लेके फ़ोटो निकालते थे। वो ज़माना तब 35 रुपये का एक रोल आया करता था, बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी कोनिका आ गया, कलर आया, इंस्ट्रूमेंट कलर आया, हमने उसका भी इस्तेमाल किया। आज तो मोबाइल में सब कुछ आ जाता है, पर एक फ़ोटोग्राफ़र की ज़िंदगी पर एक अच्छी फिल्म बननी चाहिए ताकि वो यादगार फिल्म बने। मनोज कुमार जी की एक फिल्म थी, अभिनेता मनोज कुमार नूतन के साथ थी उनकी फिल्म, वो भी यादगार थी, वो भी सुपर डुपर हिट हो गई। हम भी चाहते आप सब ऐसी दुआएं हमारे लेकर, आज ईद का मुबारक दिन है कि हम एक फोटोग्राफर के ऊपर अच्छी फिल्म बनाएं। मुंडे जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे रवि दादा? मैं तो ये अभी जैसा इन्होंने कहा कि अभी मेरा छोटा भाई है, मतलब मेरे बड़े भाई दादा हम कहते हैं, बुलाते हैं रवि दादा, मैं तो सिर्फ दादा ही बोलता हूँ, फ़ोन करता हूँ तो भी। और काफ़ी लोगों के साथ इनका जो रिश्ता है, सबके साथ अच्छा काम करते हैं, तो मैं भी उसी में से एक हूँ छोटा सा। तो मैं बहुत आभारी हूँ, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ या कुछ भी है टच में रहते हैं, और जब भी बुलाओ आ जाते हैं मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलते आखिरी सवाल, बहू जी महाराज हमारे बीच नहीं रहे, बड़ी घटना है जी जी, जितना भी ये किया जाए कम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि और राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो उसमें उनका अच्छा घुसपैठ था और लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे, और बड़ा ही दुख हुआ मतलब उनके जाने से हमारे समाज को। मैं बहू जी महाराज के काफ़ी करीब रहा हूँ, मेरे साथ उनका संबंध रहा है, जैसे कि मैं आपको पता है सब लोगों की हमारा हेलीकॉप्टर का बिजनेस है, तो एक दो तीन इवेंट मैंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से गरीब बच्चों के लिए उनके साथ करने का प्रयास किया, तो मेरा उनका रिश्ता बन गया। भैयू महाराज जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान के संत हुआ करते, गगनगिरी महाराज करके हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, मैं उनके साथ काफ़ी रह चुका हूँ, उनको मैंने 36 बार हेलीकॉप्टर से घुमाया गगनगिरी महाराज, उन्हीं की पहचान से मुझे भैयू महाराज जी का संपर्क हो गया। एक अच्छी शख्सियत, समाज सेवा का पूरा चोला पहने हुए थे, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े, चाहे वो किसी पक्ष का ज़रूरत हो, चाहे किसी भक्त का ज़रूरत हो, चाहे किसी संस्था की ज़रूरत हो, खास करके भैयू महाराज ने देखा, मैंने महाराष्ट्र के अंदर उनका महाराष्ट्र और इंदौर जो मध्य प्रदेश है वहाँ का बहुत अच्छा संपर्क रहा, लेकिन महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जो मराठवाड़ा प्लेस है वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा सोशल काम किया।
और जैसे उनके उनका अंतिम दिन के बारे में हमको पता चला, हमें काफ़ी शौक लगा। मैं खुद वहाँ जाकर आया, मैं सुबह गया था, शाम को रिटर्न आ गया। और बस यही कहेंगे कि ऐसे लोग स्मरणीय रहते, यादगार रहते, ऐसे लोग जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहता है और उन्हीं के काफ़ी मार्गदर्शन आशीर्वाद के पद हम समाज के अंदर कुछ ना कुछ बोने का प्रयास करते हैं। और कुछ दिनों पहले ही, मतलब एक तीन चार महीने पहले, उनके एक असिस्टेंट है जो लगातार मेरे संपर्क में, साउथ इंडियन है वे, पुणे में बैठते हैं, उनका संपर्क है कि भैयू महाराज के ऊपर भी हम लोग क्यों ना एक इस तबके का कार्यक्रम करें कि जो कार्यक्रम हमारे मुंबई शहर से लेके वर्ल्ड वाइज बन जाए, इतिहास बन जाए, हिस्ट्री बन जाए। पर दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं मेरे सारे परिवार की तरफ से स्पेशल, आज मुंडे का बर्थडे है, खुशी का दिन है पर दुख की भी बात है, इसलिए उनके अंतिम जो अंत यात्रा उनकी अभी उसी दिन हुई है उसमें हम सब लोग शामिल है। और ख़ास करके मीडिया को मैं गुजारिश करूँगा कि कभी ना कभी ऐसा दिन आए कि मैं भी कुछ सोचूँगा कि कम से कम फिल्म तो नहीं पर भैयू महाराज जी के ऊपर मैं कुछ एपिसोड सीरियल्स के अंदर करूँ, उनके जीवनी के ऊपर मैं कुछ एपिसोड्स करूँ सीरियल के माध्यम से। अब ये बोलने वाली बातें नहीं होती है, करने वाली बातें होती है। वक्त का इंतज़ार कीजिए, शायद कुदरत ने सहारा दिया, आशीर्वाद दिया तो हम वो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले मैं ग़ुलाम अब्बास ख़ान रमाकांत मुंडे जी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। और ये मौका डबल ट्रीट का है क्योंकि कल सुबह ईद भी है, तो ईद मुबारक भी उनको और उनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत एक्टिवली मीडिया में उनका काम रहा है, सही चीज़ को प्रमोट करने का। बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने प्रमोट किया है और इंडस्ट्री में बहुत मायनाज नाम है। तो मैं दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह से काम करते रहें और सही तरह का जो मीडिया और सटीक मीडिया जो होता है उसको प्रमोट करते रहें। जी, आपके तरफ से क्या आशीर्वाद होगा उनको? मैंने जो कुछ कहना था अब्बास ने कह लिया, मैं क्या कहूँ, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। आई मीन आई एम सीइंग हिम सिंस सो मेनी इयर्स बट ही इज डूइंग सो मच। अब्बास जी जी, स्पेशल अगर बात करें जब जी है, जी हाँ जी हाँ जी, ईद करोड़ों लोग आपको चाहते हैं। बिल्कुल, ईद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये त्यौहार है सुकून का, खुशियों का और अमन का। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि खुदा हमारे मुल्क में अमन और सुकून पैदा कर और यहाँ के आम आदमी को तरक्की हो। तो ये ईद का मौका है जब मैं मुबारकबाद सबको देना चाहता हूँ और खुदा से ये दुआ करता हूँ। और ये ईद भाईचारे का फेस्टिवल है। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं। और तो बस यही मैं सब लोगों को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस मौके पर कि खुशियाँ रहें, आपकी ज़िंदगी में सुकून रहे, सेहत रहे। और मुझे एक अपनी एक गज़ल गुनगुनाता हूँ जो मैंने खुद लिखी थी और मेरी नई किताब से है ये गज़ल और अभी रिकॉर्ड। जी 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 जी, हम दीवानों को तेरी ये दीद मुबारक हो, हम दीवानों को तेरी ये दीद मुबारक हो, चांद से चेहरे वाली तुझको ईद मुबारक हो, तुझको ईद मुबारक हो। लेकिन कहना चाहेंगे रमाकांत मुंडे जी का जन्मदिन है, आप आए यहाँ शिरकत की और क्या कुछ उनको शुभकामनाएं होगी और खास करके कुछ मेमोरी हो जो शेयर करना? मेमोरी तो काफ़ी है बिकॉज आई हैव सीन हिम इन लॉट ऑफ पेज थ्री पार्टीज। तो उन्होंने मेरी काफ़ी फोटोज क्लिक किए हैं पेज थ्री पार्टीज पे। मैं उनको उमर जाफर के शो में भी मिली व्हेन आई वाज वॉकिंग एज अ शो स्टॉपर। फिर निशा जामवाल का शो है, तो देर आर मेमोरीज, यस ऑफ कोर्स। एंड अभी मैं बहुत टाइम के बाद बॉलीवुड में आई हूँ बिकॉज आई वाज बिजी विद साउथ। मेरी अभी धनुष के साथ मूवी हुई थी यार्डिनी मोहिनी,
सो वो पिक्चर के बाद आई हैव नाउ कम बैक टू बॉम्बे. लेकिन आई वुड विश हिम मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड बर्थडे इज समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल. तो मेरी उनके लिए हार्दिक शुभेच्छा बर्थडे की एंड आई होप एंड विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बींग. थैंक यू. मैं थिएटर्स करती हूँ गैरी रिचर्डसन एलेक पदमसी के साथ. इंग्लिश मोनोलॉग मेरी थिएटर प्ले हुई है काला घोड़ा प्रेस क्लब यॉट क्लब में. और साउथ में आई एम बिजी एज ऑलवेज. तो मेरी साउथ की कम से कम 15 मूवीज हैव डन. तो पहली पिक्चर मेरी वसुल राजा MBBS है मुन्ना भाई MBBS की रीमेक. और 3 मूवीज़ हैं मेरे धनुष के साथ सत्यराज के साथ और खुशबू के साथ मैंने पेरियार किया है. और मैं और एक साउथ मूवी कर रही हूँ तो वो सिम्बू के साथ है एंड दैट आई विल बी स्टार्टिंग इन सितंबर. और हिंदी तो आई एम जस्ट बिगिनिंग सो लेट्स सी. खास करके ईद भी है तो बड़े मतलब काफी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं. ईद का स्पेशल अपना सब छोड़ छाड़ के लोग शुभकामनाएं देने आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रमाकांत जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और विश यू वेरी हैप्पी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. देखिए फिल्म लाइन में इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री में हमारी बहुत छोटी सी इंडस्ट्री लेकिन बहुत प्यारी इंडस्ट्री, बहुत प्यार है यहाँ बहुत प्यार है. और हमारा प्यार आप तक पहुँचाने में ये जो हमारे चैनल के दोस्त हैं इनका सबसे बड़ा हाथ है, वरना आप लोग को तो मालूम ही नहीं है कि हम इंडस्ट्री में हो क्या रहा है. तो आज का जो बर्थडे है, आज का मुंडी जी का जो बर्थडे हुआ, ये इतना अच्छा सेलिब्रेट हुआ, इतना प्यार. बहुत बड़े 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 आर्टिस्ट हैं, मैं तो खैर बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, आप लोग जानते हैं जॉनी निर्मल बहुत छोटा नाम है, लेकिन यहाँ पर जो प्यार मुंडे साहब को मिला है, जो मोहब्बत मिली है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ चैनल्स का. चैनल को थैंक यू बोलूँगा कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है. और इसके साथ साथ मैं चैनल से ये भी अपील करूँगा कि सारे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और तहे दिल से शुभकामनाएं बनती है, हक है उनका. मुंडे साहब का जो बर्थडे हुआ है ये बर्थडे काफ़ी मज़ेदार रहा है और इस मज़े के बीच में मैंने भी थोड़ी मस्ती की है, मज़े किए हैं. इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. दरअसल क्या है कि अगर जॉनी लीवर होते यहाँ, मेरे बड़े भाई हो, थोड़े नाराज़ चल रहे हैं आजकल, पिछले 15 साल से वैसे बहुत नाराज़ है, लेकिन उनकी नाराज़गी कब दूर होंगी मुझे नहीं मालूम. जॉनी भाई अगर इनको हैप्पी बर्थडे करने आते तो उनका अपना एक अंदाज़ है, अपनी एक स्टाइल है, उनका अपना स्टाइल ऐसा होता है. मुंडे मेरे गुंडे, अरे मेरे मुंडे, तुझे जवानी की मेरा मतलब बर्थडे की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं बेटे. हैप्पी बर्थडे टू यू मुंडे. इस मुंडे की वजह से आके मुंबई के आधे गुंडे बेचारे ठंडे हो गए मुंडे. थैंक यू वेरी मच. उनका जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. ऐसे बहुत सारे जन्मदिन आते रहे और हम उन्हें विश करने आते रहे हम सब. आप क्या कहना चाहेंगे मैडम के बारे में? हमारे अभी 4-5 साल से परिचय हुआ है और काफ़ी अच्छा उनके साथ बातचीत होती है, तो हर साल मैं उनको बुलाता हूँ बर्थडे विश में और कहीं ना कहीं और भी अवार्ड फंक्शन वगैरह में मिलते रहते हैं. तो अच्छा लगा मुझे. केक अच्छा लगा कि नहीं? बिल्कुल. केक होस्ट बाय आज के कीर्ति जी थी. थैंक यू. कहना चाहेंगे रमाकांत मुंडे का जन्मदिन है, किस प्रकार से आपकी तरफ से बधाइयां होंगी, शुभकामनाएं होंगी? हमारा एक परिवार है आप लोगों के जैसा और उनको भी हमारी लंबी उम्र मिले, बस यही हमारी शुभकामनाएं. और तमाम दोस्तों यारों को ईद मुबारक. थैंक यू वेरी मच. रमाकांत मुंडे जी जब से मैं स्ट्रगल करता था अराउंड 25 ईयर्स बैक, तब से मुंडे जी वैसे के वैसे ही हैं. और
ये खास परिवर्तन नहीं आया वैसे ही है। नहीं, वो इसलिए कि मैं कैमरे के आगे रहता हूँ ना, तो मुझे खास रखना पड़ता है। पर रमाकर मुंडे तो कैमरे के पीछे रहते हैं, बहुत दूर खुद कैमरे हाथ में लेके घूमते हैं। आई थिंक इज अ वेरी गुड जर्नलिज्म के फोटोग्राफर हैं, एंड वो बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही हेल्पफुल है, और मेरी करियर में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जर्नलिज्म और फोटोग्राफर का हाथ नहीं होता तो कोई एक्टर नाम नहीं कमा सकता। बिकॉज इतनी दो लाइन भी और या एक फ़ोटो कहीं मायापुरी में भी आ जाता है तो 10% लोग आपको पहचानते हैं। तो मेरी मैं तो मानता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो मेरे सामने हैं वो सारे एक्टर्स के करियर की कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले आते हैं, फिर गॉडफादर आता है। गॉडफादर तो आपको फिल्म दे देगा लेकिन आगे कौन बढ़ाएगा, यही लोग। तो कहते हैं ना कि मीडिया माए बाप होता है, बाकी गॉडफादर बनते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मीडिया वहीं रहेगी। सो मीडिया से बहुत कुछ फ़ायदा होता है, एंड मैं मीडिया के लिए आज भी और पहले भी जहाँ जाना चाहता बताया जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा, बिकॉज आई थिंक मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द बॉलीवुड। मैं ईद में यही कहना चाहूँगा भाइयों कि ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, दिवाली जैसे फेस्टिवल है, सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो टेररिज्म का प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो पॉलिटिशियन जो फ़ायदा उठाते हैं, तो आप प्लीज़ इनकी बातों में ना आए। ईद में आज भी हमारी इंडस्ट्री में हम लोग दिवाली ईद साथ में मनाते हैं, मतलब ईद अगर एक मुसलमान की ईद होती है तो 10 हिंदू इसके साथ में बैठ के इफ्तारी करता है और साथ में बैठ के खाना खाता है। तो आप सोच सकते हो कितना प्यार है मुसलमान और हिंदू में। ये सब पॉलिटिशियन ने बनाया चीज़ें हैं। सो प्लीज़ ईद के दिन आपको मैं यही दुआ करूँगा कि आप प्लीज़ भारत देश के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, और आप सबको हमारे तरफ से ईद मुबारक। एक हिंदू हूँ लेकिन मुझे ईद से बहुत मतलब है। कल मैं बहुत सारे दोस्तों के वहाँ जा रहा हूँ जो मेरे मुसलमान दोस्त हैं, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल। थैंक यू सो मच।